हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कल के नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में अपने किस तरीके से इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स हम लोग को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से रहेगा। तो फिलहाल अभी जो प्राइस एक्शन यहाँ बना है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन था, ठीक है, अराउंड अराउंड 840 का, इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से इन्हीं लेवल के आसपास आके क्लोजिंग मिला है। मतलब ये जो यहाँ पे कैंडल, जो यहाँ पे ये जो बाइंग मोमेंटम फिर से रिवर्सल आया था, ठीक है, इसको इन्हीं लेवल्स के आसपास रुक जाना था, लेकिन बायर्स यहाँ पे रुके नहीं और काफ़ी ऊपर जाके क्लोज दिए। लेकिन नेक्स्ट डे इमिडिएटली तुरंत हम लोग को सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं से सेलर्स हैं और ये हमारे पास ऊपर से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के आसपास से इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को, रेजिस्टेंस। तो ये अगर इस तरीके से यहाँ पे फिर से 800 के आसपास आ सकता है, और 800 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 760 के आसपास ये आ सकता है। चलिए एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आके और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके इसको देखेंगे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही होगी वीकली टाइम फ्रेम पे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम से इसी रेंज में फंसा हुआ है। देख रहे हैं, इसी रेंज में ये बहुत दिनों से इस तरीके से फंसा हुआ है, और ये यहाँ आने के बाद इस चैनल में फंसा हुआ है। अभी इस चैनल से नीचे की ओर यहाँ पे डब्लू टाइप पैटर्न बना के ऊपर की ओर जो आया था, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आया था ये वाला ग्रीन कैंडल। उसके बाद अभी का फिलहाल क्या सिचुएशन है अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा चार्ट जो नोट कर देते हैं, अभी यहाँ से फॉल तो हो गया 1200 रुपये से बहुत तेज़ी से नीचे की ओर, और 680 के आसपास आ गया, और यहाँ पे अभी हम लोग को रिवर्सल मिला, ठीक है। इस रिवर्सल को जिन लोगों ने प्ले किया होगा उन्होंने अच्छे पैसे भी बनाए होंगे, लेकिन लेकिन अभी जो लास्ट वीक में मोमेंटम हुआ है, एक डोजी टाइप कैंडल बना दिया। मतलब ये मोमेंटम हो रहा था, हम सभी को पता चल रहा था ये यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये सब चलता है, लेकिन ये हैमर टाइप कैंडल बनने के बाद ये जो है डोजी टाइप कैंडल बना है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेंज बनाया था, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे जो रेंज बनाया था उसका तो 1:1 यहाँ पे इसने दे दिया है, अभी किस ओर जाएगा, अभी ये क्लियरिटी हम लोग को क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक में ये पूरा का पूरा ये जो लेवल है, ठीक है, ये है अराउंड, इसका हाई लो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इसका हाई है 885, लो है 790, ठीक है, 885, ठीक है, इसका हाई है कितना, 885 790, तो हर ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का, हर ऑलमोस्ट तो देखेंगे तो 100 रुपीज़ के आसपास का रेंज है, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक अभी स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में इसके अंदर ये पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ये वाला जो लेवल है इसको मल्टीपल टाइम इसने अभी इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे हिट नहीं किया है, क्योंकि ये लेवल ये ब्रेकआउट देके गया था तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एक बार और सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और यहाँ पे उसके बाद अगर 800 से लेके 840 के बीच में रुक के अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से 40 रुपीज़ नीचे आ सकता है, 760, उसके बाद 720, ये हम लोग को टारगेट दिखा सकता है। लेकिन 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 यहाँ पे अगर ये रुक जाता है और इन्हीं लेवल्स के बीच में रुकने के बाद ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को ऊपर की ओर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और ये टारगेट इसको और ऊपर की ओर लेके जा सकता है। याद रहे ये 920 जब यहाँ पे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे रेंज कितने का बनाया है, अराउंड 460 प्लस 20, 80 रुपीज़ का रेंज बनाया, तो यहाँ से 80 मतलब 1000 का हम लोग को यहाँ पे टारगेट फिर देखने को मिल सकता है, क्लियरली नज़र आ रहा है आने वाले समय में, अगर जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया उस तरीके से प्राइस सेक्शन बनाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या नज़र आ रहा है हम लोग को, वरना टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पोल नज़र आ रहा है, मुझे ये फ्लैग नज़र आ रहा है, इस फ्लैग को देखेंगे ऊपर की ओर 2 बार यहाँ पे 3, 4, 5 बार हिट किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे की ओर बात करेंगे तो 1, 2, 3 चौथी बार यहाँ पे देखेंगे ब्रेक करके फिर इमिडिएटली उसके अंदर चला गया, उसके बाद 4 टाइम यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर ये यहाँ पे फेल होता है, जैसे मैं थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करूँगा आपके लिए, अभी आप देखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन बनी है। अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ 8:30 के आसपास और ये जो लो लगाया है इसको ब्रेक कर दिया, तो सपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, एक सपोर्ट आप बोलेंगे चलो हम लोग को 820 दिख रहा है, उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट सीधे 800 के आसपास है, तो ये फॉल हुआ, ठीक
ठीक है, यहाँ पे वेट किया, अगर हमने ये लो को ब्रेक किया तो सीधे 810 800 के आसपास ये आएगा और इन लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेके रुकने की कोशिश करेगा। फिर से यहाँ पे ऊपर जा सकता है, हो सकता है 820 से फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये अगर इसने इसको ब्रेक डाउन दिया है तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट भी नीचे की ओर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से फिर से ये इस तरीके से ब्रेक डाउन देके 780 लेवल्स के आसपास जा सकता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो सिनारियो चेंज हो जाएगा। कैसे सिनारियो चेंज हो जाएगा? फिर यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस तरीके से फंस जाएगा, या फिर यहाँ पे इन ट्रेंड लाइन के आसपास, ऊपर के आसपास भी आके ये हॉवर कर सकता है, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। और थर्डली, अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अगर डायरेक्टली 810 के आसपास 820 के आसपास ओपन होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है इन इन लेवल्स को एक बार लो टेस्ट करे और क्लोजिंग ऊपर दे दे, समझ रहे हैं। इस तरीके का कैंडल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा टाइप कैंडल, अगर ये गैप डाउन ज़्यादा 810 के आसपास ओपन होता है तो इस तरीके का प्राइस एक्शन रह सकता है मंडे के दिन। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।